हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रातों रात डैंड्रफ की हमेशा के लिए छुट्टी कर देगा ये घरेलू उपाय। आइए जान लेते हैं इस उपाय के बारे में। बालों में हुई रूसी यानी डैंड्रफ को कैसे दूर किया जा सकता है। मौसम में बदलाव होने पर बालों में रूसी होना आम बात सी हो गई है और रूसी यानी डैंड्रफ होने से हमारे बालों में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बालों का दो मुहा हो जाना, बालों का सफेद होना इत्यादि। और बालों में रूसी होने पर हम दोस्तों में बैठने से भी घबराते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगी जिनसे आप अपने बालों में हुई रूसी की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। बालों में हुई रूसी यानी डैंड्रफ को हटाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं। नुस्खा नंबर एक, नारियल का तेल 100 ग्राम और कपूर 4 ग्राम दोनों को मिलाकर शीशे में रख लें। दिन में दो बार नहाने के बाद बालों को सूख जाने पर और रात में सोने से पहले इस तेल से खूब मालिश करें। इस उपाय को करने से दूसरे दिन से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा नुस्खा है, बाल धोने से आधा घंटा पहले आपको नींबू काट कर अपने सिर पर अच्छी तरह से मसाज करना है और फिर हल्के गुनगुने पानी से बालों को धो ले, इससे रूसी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तीसरा नुस्खा, रात के समय 8 से 10 रीठे के छिलके काटकर उनको पानी में भिगो दे, सुबह उनको पीस कर या उसी पानी में मसल ले और फिर बालों पर हल्का गुनगुना पानी डालकर थोड़ा सा रीठे का पानी डालें और 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से रगड़े, फिर बालों को धो ले। इससे आपको अगले दिन से ही लाभ मिलने लगेगा, साथ ही बाल घने और लंबे भी होने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।